प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, आप कब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 41 की 43 आयत में लिखा है, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गंभीर है तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी घटनाओं को करेगा जो आपको पसंद हो या न हो, पर वह घटनाएं आपको आशीष और ऊंचाइयों में लेकर जाएंगे। पर यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा और गंभीर है या नहीं। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ ऐसा है कि मुझे चंगाई मिल जाए, मम्मी ने कहा था कि अगर चर्च में जाएगा तो वीजा लग जाएगा, या किसी लड़की के पीछे चर्च आए हैं, तो परमेश्वर की वह आशीषें और ऊंचाइयां आपके लिए नहीं हैं। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था कि उसके भाई और उसके माता पिता उसको दंडवत करेंगे, लेकिन उसका यह दर्शन उसी समय, उसी दिन या कुछ महीने में पूरा नहीं हुआ। यह दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में अलग अलग घटनाओं को किया, क्योंकि यूसुफ का परमेश्वर के साथ गहरा और गंभीर संबंध था। उसे परमेश्वर पर पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन यह दर्शन उसके जीवन में जरूर पूरा होगा, और इसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसे एक दिन मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा करे, तो आपको भी इसी प्रकार की घटनाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। नशे में रहकर व्यभिचार करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक पत्रस अध्याय 1 की 16 आयत में परमेश्वर ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बिना पवित्रता के आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वह खुद पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप बाइबल में पढ़कर देख लो कि जिसने भी परमेश्वर के वचन को तोड़कर पाप किया तो उसका क्या हाल हुआ। यूसुफ पवित्रता में रहा, परमेश्वर के साथ वफादार रहा, और उसने कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं की कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसने मौका मिलने पर भी पाप का नहीं किया। इन सब बातों के कारण ही परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, और फिर उस पर इंसानों का अनुग्रह भी हुआ, और फिर मिस्र के राजा फिरौन ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया और उसको ऊंचा और आशीषित किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आप पर तभी होता है जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत और गहरा होता है। तब परमेश्वर आपके लिए लोगों के मन में डालता है कि वह आपके हक के लिए बोले। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी यूसुफ की तरह ऊंचा करे, तो अपने दुखों, सताव और अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से ना डरें, क्योंकि वह आपको ऊंचा करने के लिए है। आमेन, आमेन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने हर एक पाप को छोड़ता हूँ और आज से आपके वचनों पर चलूँगा, ताकि आप मुझे इस्तेमाल कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।